प्रियंका ऑल्टो से। जब भी कोई दर्दनाक घटना होती है जिसमें कई लोगों की जानें चली जाती है, ऐसी घटनाओं के बाद अक्सर लोग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। पर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग हैं जो लोगों के भावुक होने का गलत फ़ायदा उठाते हैं। वे सोशल मीडिया पर इन घटनाओं से संबंधित ऐसी जानकारी शेयर करते हैं जो लोगों को गुमराह करने के लिए होती है। 19 अक्टूबर 2018 को दशहरे के दिन पंजाब के अमृतसर रेलवे स्टेशन से कुछ ही किलोमीटर दूर एक रावण दहन कार्यक्रम चल रहा था। जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा था उससे नज़दीक एक रेलवे ट्रैक भी थी। जब रावण के पुतले का दहन हो रहा था, कुछ लोग उस रेलवे ट्रैक पर भी इसे देखने इकट्ठा हो गए थे। उसी दौरान ट्रेन नंबर 74643 वहां से तेज रफ्तार में गुजरी और कुछ लोग इस ट्रेन की चपेट में आ गए और इस तरह एक दर्दनाक ट्रेन दुर्घटना हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कम से कम इस दुर्घटना में 61 लोगों की मौत हो गई तो कई लोग घायल हो गए। इसके बाद इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर एक आक्रोश देखने को मिला। कई पॉलिटिकल लीडर्स ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया कि इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा। इन्हीं सबके बीच संगठित तरीके से सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हुआ जिसमें यह दावा किया गया कि जिस ट्रेन से यह दुर्घटना हुई थी उस ट्रेन के ड्राइवर का नाम इम्तियाज अली है। यह मैसेज कई ग्रुप में अलग अलग तरीके से फैलाया गया। एक ने कहा, अमृतसर ट्रेन हादसे में किसी ने भी ड्राइवर का धर्म जानने की कोशिश की? जानना चाहोगे? इम्तियाज अली, अब समझे ट्रेन क्यों नहीं रोकी तथा इतनी स्पीड में क्यों दौड़ रही थी। तो दूसरे ने यह कहा, 250 से अधिक मौत वाले अमृतसर ट्रेन हादसे में ड्राइवर का नाम इम्तियाज खान था, बाकी आप समझदार हैं, ये हादसा नहीं योजनाबद्ध कत्ले आम है। इसी तरह का दावा करने वाले मैसेजेस सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एक ऑर्गेनाइज तरीके से फैलाए गए। इन सब मैसेजेस में एक कॉमन थीम थी कि इस पूरी घटना को एक सांप्रदायिक रंग दिया जाए और यह दर्शाने की कोशिश की गई कि ट्रेन का ड्राइवर मुस्लिम समुदाय से है और हिंदू त्यौहार के दिन एक योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। यह दावा करने वालों में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर पर फॉलो करते हैं, हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच यह है कि ट्रेन के ड्राइवर का नाम इम्तियाज अली नहीं बल्कि अरविंद कुमार है। घटना के ही रात यानी 19 अक्टूबर को ट्रेन के ड्राइवर ने एक लिखित बयान जारी किया था। इस बयान की रिपोर्ट कई मीडिया आउटलेट्स जैसे NDTV, आज तक, हिंदुस्तान ने पब्लिकली जारी किया था, जिसमें ड्राइवर का नाम अरविंद कुमार देखा जा सकता है। इससे यह साफ पता चलता है कि ट्रेन के ड्राइवर मुस्लिम समुदाय से नहीं थे। लेकिन यह सोचने की जरूरत है कि एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया हो, उसे सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक रंग देने में 24 घंटे का समय भी नहीं लगा। लेकिन यह कोई पहली घटना नहीं है। ऑल्ट न्यूज़ ने पहले भी दिखाया है कि फर्जी खबरों द्वारा लगातार मुस्लिम और क्रिश्चियन समुदाय पर निशाना बनाया जाता है। हालांकि अमृतसर रेल हादसे में फैलाई जाने वाली गलत जानकारी यही खत्म नहीं होती। इसी घटना से संबंधित एक और चिंताजनक उदाहरण सामने आया है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरों और वीडियो के एक समूह को साझा करते हुए यह दावा किया जा रहा है कि अमृतसर ट्रेन घटना से जुड़े ट्रेन ड्राइवर ने तारावाला पुल के पास आत्महत्या कर ली है। जैसा कि तस्वीरों में देखा जा सकता है, लोहे के पुल से रस्सी के बल लटकता हुआ एक शव है और दूसरी एक तस्वीर है जिसमें हाथ से लिखा हुआ एक खत है, जो कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर मान रहे हैं कि यह सुसाइड नोट है। तो आइए जानते हैं कि क्या ट्रेन ड्राइवर ने सच में आत्महत्या कर ली है। ऑल्ट न्यूज़ ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों के मुताबिक तारावाला पुल के थाना क्षेत्र चाटीविंड पुलिस स्टेशन का जब संपर्क किया तो मामला कुछ और ही सामने आया। SHO गुरविंदर सिंह ने हमें यह बताया कि यह घटना का अमृतसर में हुई ट्रेन दुर्घटना से कोई लेना देना नहीं है और यह व्यक्ति 4 साल से डिप्रेशन से जूझ रहा था। और तो और, दैनिक जागरण की प्रसारित हुई रिपोर्ट के मुताबिक यह व्यक्ति तारण तारण जिले के बिकविन गांव का रहने वाला था। पुलिस इस मामले में और आगे जांच कर रही है। सोशल मीडिया पर लोग जिस खत को सुसाइड नोट मान रहे हैं वह दरअसल ट्रेन ड्राइवर अरविंद कुमार का दिया गया बयान है। इसी तरह से यह दोनों दावे
कि ट्रेन ड्राइवर का नाम इम्तियाज़ अली है और ट्रेन ड्राइवर ने सुसाइड कर लिया है, दोनों ही सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुए थे, पर दोनों ही गलत है। हम हमारे दर्शकों को एक बार ये फिर याद दिलाना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भी घटना के दौरान फैलाई गई असत्यापित तस्वीर, वीडियो या मैसेज को साझा करने से बचें और एक जिम्मेदार सोशल मीडिया यूज़र बने। पर ऐसे किसी भी दुष्प्रचार से बचने के लिए ऑल्ट न्यूज़ को ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।